मसीह खुदाओं में आपकी सलामती हो प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ आपका होस्ट हरून यूसफ़ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं यौहानाबाद में जो कि पाकिस्तान में मसीहों की सबसे बड़ी बस्ती है और यहाँ पे हम यौहानाबाद के एक मेन कब्रिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं ताकि आपको दिखा सकें कि इस वक्त ये जो कब्रिस्तान है ये नहायत पस्त हाली का शिकार है और यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त हैं बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं और ख़ास करके जबकि इन दिनों में जो है यहाँ पर बरसात का मौसम है और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है उस वक्त जब वो यहाँ पे जनाजे को लेकर आते हैं और जब वो कब्र को क़ब्र कुशाई करते हैं या मुर्दे को दफनाने के लिए यहाँ पे कब्र जब खोदते हैं तो नहायत उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस यौनाबाद में बहुत सारी ऐसी एन हैं जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं इसके अलावा बहुत सा ज़्यादा वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं इसके अलावा बहुत ज़्यादा औरफन सेंटर हैं तो भी और ख़ास करके चर्चेज़ जो हैं वो यहाँ पे बेतहाशा हैं तो भी यहाँ पे जो पासबान हैं जो कि मुख्तु चर्चिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा एन जी ओज़ के जो ऑनर हैं वो यहाँ पे यहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे काम करते हैं लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस वक्त यौानाबाद में जो यहाँ का एक मेन कब्रिस्तान है वो किस तरह से बदहाली का और ख़ास करके यहाँ पे मुश्किल का शिकार है तो आए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो जो कब्रें हैं वो उनके पास जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो घास यहाँ पे उगी है बरसात के मौसम में जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ पे कब्र निकालना नहायत मुश्किल है क्योंकि आपको आप सब जानते हैं कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और किसी न किसी हादसे का कोई भी शिकार जो है वो यहाँ पर हो सकता है तो हमने बहुत सारे लोगों से मिलने की यहाँ पर कोशिश की और ख़ास करके उनको इस बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि आएँ आप देखें अपने कब्रिस्तान की हालत यहाँ पर मतलब आपकी ज़रूरत है यहाँ पर जो कबरे कब्रे हैं वह उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़स्ता हाल है तो भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आने से जो है वो इनकार किया लेकिन जिनको हमने बुलाया और जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि वाकई ही हमें अपने कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो सफाई हो सके प्रॉपर तौर से यहाँ पे जो घास वगैरह को काटा जा सके दरख्तों की जो कटाई है वो हो सके ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा जो है वो रोनमा हो ना हो सके तो आए नाजिन हम उनसे बात करते हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि हमें अपने इस मेन कब्रस्तान के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है या अपनी आवाज़ को अवानों तक या जो एन जी ओज़ यहाँ पर काम कर रही हैं जो चर्चिज़ के पासबान हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे खास करके जो पासबान हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है ज़िम्मेदारी है ये आप सब जानते हैं क्योंकि जब किसी घर में फोतगी होती है तो हम जो चर्च का जो पासवान होता है जो चर्च का जो पास्टर होता है और जो उस क्लिसिया का जो फ़र्द जो इस दुनिया से रहलत कर चुका है जब उसको बुलाया जाता है तो जब वो यहाँ पे आता है और आके जब वो कब्रिस्तान की हालत को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए यहाँ पर ये काम होना चाहिए यहाँ पर ये काम होना चाहिए लेकिन बाद में जैसे ही वो जनाजे की रस्म अदा करते हैं अपने घरों को चले जाते हैं तो उसके बाद किसी का ध्यान इस तरफ़ नहीं आता तो क्या उन पासवानों की ये ड्यूटी नहीं है क्या ये उन पासवानों की ज़िम्मेदारी नहीं है जो कि अपनी कलिसिया के खादमीन होने का तो दावा करते हैं जो इस बात का तो दावा करते हैं कि हम अपनी कलिसिया के लोगों के जो हैं वो रहबर हैं लेकिन रहबर का, का काम सिर्फ़ चर्च की हद हाँ तक होता है अगर चर्च की हद हाँ तक होता है तो यहाँ पर फिर कब्रस्तान में वो उन लोगों की जो जनाजे की रस्म है वो अदा करने के लिए वो क्यों आते हैं और ख़ास करके ये तो मतलब करने की बात है कि जो एन जी ओज़ हैं वो भी इस बात का दावा करती हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं जब वो मुश्किल में हैं या ऐसे हालात में हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है और हम उनका बाजू बनने के लिए तैयार हैं लेकिन वो एन जी सिर्फ़ लफ्ज़ी बातें करती हैं लेकिन लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि ये योहनाबाद ये जो छोटी बस्ती नहीं है जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये छोटी बस्ती नहीं है ये पाकिस्तान में मसीहों की सबसे बड़ी बस्ती है और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सौ की तादाद में नहीं लेकिन हज़ारों की तादाद में चर्ची भी हैं क्योंकि ये छोटी बस्ती नहीं है मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे बेशक मुकामी तौर पर तो खदमत कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे खादम ऐसे हैं जो बाहर के इलाकों में यहाँ से जाकर खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं तो इसीलिए ये मैसेज उन तमाम पासवानों के लिए भी है उन तमाम एन के लिए भी है उन तमाम वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए भी है उन तमाम औरफन सेंटर के लोगों के लिए भी है जो कि के यौहानाबाद के रहाशी हैं वो यौनाबाद को अपना घर तो मानते हैं वो यहानाबाद को अपना घर होने का दावा तो करते हैं लेकिन क्या जब अपने ही घर में अपने एक ख़ास मुकाम की जब हालत ऐसी होती है ये ख़ास मुकाम है हम कहते तो हैं कि कब्रिस्तान जो आखिरी आरामगा है लेकिन जब इस आखिरी रामगा में हम अपने किसी अजीज को जब छोड़ने के लिए आते हैं तो जब हम यहाँ की हालत देखते हैं तो हमारा दिल रोता है हमें परेशानी होती है और हम सोचते हैं कि क्या ऐसी जगह पे हम अपने उस अजीज को दफनाना मुनासिब समझते हैं अगर आप लोग समझते हैं कि इसी तौर से हमें अपने अज़ीज़ों को ऐसी जगह पर छोड़ जाने की ज़रूरत है तो आप बस आंखें बंद करके आप फिर बैठे रहें आप उन पासवानों के पास ना जाएं आप उन लीडरान के पास ना जाएं जो आपके पास हो पासबान होने का दावा करते हैं जो आपके लीडर होने का दावा करते हैं लेकिन जब कब्रिस्तान की बारी आती है जो कि हमारी एक मेन ज़रूरत है वहाँ पर वो अपने मुँह को बंद कर लेते हैं वहाँ पर वो अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो क्या हमें अपने पासवानों को झंझोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है अगर आप समझते हैं कि पासवानों को झंझोड़ने की ज़रूरत है तो ज़रूर आप इस आवाज़ को जो आज बेशक आप नेशनल न्यूज़ नामा पर देख रहे हैं एक प्रोग्राम की सूरत में लेकिन हकीकत में ये आप लोगों की आवाज़ है जो हम उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो नाजिन ना, जिन लोगों ने इस बात के लिए हमी भरी कि हमें वाकई ही कब्रस्तान में सफाई की ज़रूरत है हमें कब्रिस्तान में अच्छे इंतज़ाम की ज़रूरत है और जब हम कब्रिस्तान में लोगों को लेकर आते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि पानी का भी अच्छा इंतज़ाम नहीं है अभी मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे हम जाएंगे हमारे कैमरा मैन आपको वो सारा मंजर दिखाएंगे कि वहाँ पे अच्छे तौर से पानी का भी इंतज़ाम नहीं है तो आए नाजर हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर आए ताकि वो इस कब्रस्तान की हालत के बारे में बता सकें जी अभी हम मौजूद हैं यौहानाबाद के एक रहायशी से जिनका नाम मोतीलाल है और ये घर घर में लोगों के पास भी जाते हैं तो सर जी आप हमें ये बताएँ हैं कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की हालत है वो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पस्ता हली का शिकार है तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो कब्रिस्तान की सफाई और यहाँ पे जो मतलब घास फूस है वो उस तरह उसका किस तरह से इंतज़ाम किया जाना चाहिए यहाँ पे यूनाबाद में हमारे दो तक ना चार तक चर्च हैं गिरजे बने हुए हैं जब भी वो कब्रस्तान में कुछ जनाजा पढ़ाने के लिए आते हैं हमारे पास बान तो वो उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग बातें सुनते भी हैं बातें करते भी हैं लेकिन उसके बाद वो कोई कब्रिस्तान के बारे में किसी किस्म की बात नहीं करते तो ये पास के सामने मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने पासबन यहाँ पर आएँ वो इन लोगों को अपने चर्च के लोगों को स... बताएं ताकि अपने अब अप जहाँ जितने जनाजे यहाँ पे हो चुके हैं वो अपने माँ बाप की कब्रों को साफ़ सुथरा रखने का अच्छा माहौल बनाएं अगर अपने घर में सफाई कर सकते हैं इस कब्रस्तान की करें इसलिए कि ये आखिरी का है मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना यमुनाबाद की एशिया की सबसे बड़ी आबादी है तो ये आबादी को सबसे एक नाम है तो उस नाम को बदनाम नहीं किया जाए बल्कि उसको नाम को ऊँचा बनाया जाए क्योंकि यमुनाबाद यमुना नबी है नबी का नाम उस नाम को ही आप कम से कम इज़्ज़त दो थैंक यू जी नाजरीन अभी हमारे साथ जफ़र गौरी साहब मौजूद हैं जो कि युनाबाद के रहायशी हैं और यहाँ पे इनका एक बड़ा नाम है तो हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की सर जो हालत है वो आपके सामने है तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे कब्रिस्तान की सफाई या यहाँ पे जो ख़ास करके जो कब्रों पे जो घास है या दरख्त लगे हुए हैं तो उनकी सफ़ाई ज़रूरी है या नहीं है मुसीब में सबको सलाम मेरा नाम दफर गौरी है तो भनाभा के जितने लोग हैं मैं ये कहूँ कि सभी जानते हैं तो गल मैं थोड़ी थो पंजाबी करना चाहना जी ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ న్యూਸ ਹਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤੂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਂ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਨ ਖਾਸਾ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿਆ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ ਜਨਾਬੀ ਆਲੀ ਜੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਾ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਤਾ ਭਈਆ ਕੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹੀਉ ਨਾ ਭਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾ ਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਜਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਹਦੀਆ ਕਰਾਂ ਗਰੇ ਮੀਨ ਬਾਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਮਕਦਾ ਕਿੰਜ ਜੀ ਇੰਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜੇ ਛੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੇਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਰਸਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਰਾਮਗਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਫਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਚਰਚ ਨੀਂਹ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤਾਕਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਉੰਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤੋਂ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਖੁਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਬਰਸਾਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੋ शुक्रिया जी नाजेन अभी हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जोजफ़ साहब जो कि एक मजहबी स्कॉलर भी हैं और साथ ही साथ वो एक टीचर भी हैं तो हम उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की हालत है वो आप देख सकते हैं कि पस्ता हाली का शिकार है तो आसिफ भाई आप हमें ये बताएं कि ये यूहानाबाद का एक मेन कब्रिस्तान है और ख़ास करके मैं इस बात की तरफ भी जो है वो तोज् दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे चर्चेज़ हैं बहुत सारी एन काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा वेलफेयर भी हैं तो भी बाकी ये जो यौनाबाद का जो मेन कब्रिस्तान है उसकी ये हालत इसका ज़िम्मेदार आपको किसको ठहराते हैं जी सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं और मैं नेशनल टीवी का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया सर मसला ये है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ज़ुमेदार कौन है सर सबसे पहले तो ज़िम्मेदार मैं ख़ुद को मानता हूं मैं अपनी कौम को मानता हूँ मैं अभी पास्टर साहबान और लीडर साहबान की तरफ नहीं जा रहा देखें मुझसे जो होता है गवाह है दुनिया गवाह है मैं अपने पास से पैसे दे के करवाता हूँ ठीक है पास्टर साहबान की भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है लेकिन सर इधर तो नहीं है और ये बहुत बड़ा अलमिया है देखें बाइबल की आयात लिखी हुई हैं ठीक है, है? इधर कुत्ते फिरते हैं ऊपर बैठते हैं फिर मैं जिनके इधर ये कब्रें वगैरह जिनके लोहाकिन की उनका काम है कि चक्कर लगाएं वो कब्रें बना के चले जाते हैं बारिशें होती है पता नहीं होता बाद में जी कब्रें बैठ गई बाद में आके तो लड़ाई झगड़ा करते हैं सर हम अपनी ज़ात पे देखें जी कितने पैसे लगाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हम पाँच सौ हज़ार महीने का इसके लिए भी दे दें लोगों से प्रापरी जो इधर बच्चे काम करते हैं जो भी काम करते हैं उनसे काम करवाएँ यकीन माने ये जनाजगा है ठीक है जी ये बहुत टूटी फूटी हुई थी ये मैंने रिक्वेस्ट की सरदार जयम्ला साहब की उन्होंने अपने फंड से ये करवा के दिया बाकी ये नहीं देखें होती है जो साच है साँच है मैं वही बोलूँगा ठीक है कोशिश करते रहते ये फ़िल्टर प्लांट है उसके लिए भी प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं ये भी चालू हो जाएगा मेन मसले ये है कि इधर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ये हमारे पास्टर साहबान को सोचना चाहिए एक सौ चालीस चर्चेज हैं यार आप आते हो इधर जनाजा करने आप चंदे अगर हफ्ते का हज़ार दो हज़ार भी जमा करें एक सौ चालीस चर्च सर आप खुद साहब लगा ले ये जो कब्रस्तान है ये वाक्य ही एक मॉडर्न कब्रस्तान बन जाएगा सर ये हमारे लोगों को भी शूर होना चाहिए हम पास्टर साहबान को दे देते हैं ठीक है जी चंदा दे देते हैं दया यकियाँ देते हैं लेकिन जहाँ ये देखें हमारी एक निशानी है हमारे पास कोई जगह नहीं है प्रॉपर जगह नहीं है आगे के लिए नस्लों के लिए भी सोचना चाहिए सो so, बाकी हमारे जो दूसरे सियासी लीडर हैं सर उनके तो क्या ही कहने हैं मिनोरिटी विंग वगैरह हो गए मसीहत के नारे वगैरह मारते हैं सर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता मैं प्रैक्टिकल बंदा और मैं चाहूँगा मेरे पास्टर साहब आन और मेरी कौम भी प्रैक्टिकल हो डट्स इट्स इट्स सर अच्छा भाई एक सवाल है कि यहाँ पे अभी आपने ज़िक्र किया कि 140 के करीब चर्च हैं अब 140 जब चर्च हैं तो 140 सौ पासबान भी हैं पास ठीक है? है और साथ ही साथ 140 सौ की जो क्लिसियाएँ हैं जी जी। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और दूसरा है। ये कि ये जो बस्ती है योहनाबाद ये मसीहों की एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है और ख़ास करके मतलब सिर्फ़ एक पासवान या एक लीडर होना सिर्फ कलीसिया को पेगाम सुना देना सिर्फ़ उसकी यही जिम्मेदारी है या आप समझते हैं कि कलीसिया में ये शौर पैदा करना एक पासबान की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पे हम अपने अजीज अकारब को मतलब दफना के आते हैं छोड़ के आते हैं तो उसकी सफाई जो है जो उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसका भी हमें निभाना चाहिए सर पासबान और पास्टर बहुत बड़ा लफज है जिसका दिल करता है वह अपने नाम के आगे पास्टर लगा लेता है पास्टर लातीनी जबान का लफ्त पास कारा से निकला जिसका मतलब है चरवाहा और चरवाहा भेड़ों की रहनमाई करता रखवाली करता है और अभी मैं खुले अल्फाज में तो नहीं कहना चाहता खुदा के खादम है जिसका साथ पास्टर लग गया तो बरए मेहरबानी अच्छा चरवाहा बने और अपने भेड़ों को गाइड करें रखवाली करें उनको बताएं कि सच क्या हक हाँ क्या है करना क्या है डेट सेट सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भेड़ें यहाँ से चली गई हैं दुनिया से उनके लिए मेरे ख्याल में ये जो घास का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे किया गया है زندوں کے لیے نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے پاسٹر سبان آتے ہیں لوگ آتے ہیں دفنا کے چلے گئے چلے جاتے ہیں وہ سر ادھر یہ حساب ہے میں پنجابی کی کہاوت کہوں گا اجڑے باغاں دے گالڑ پٹواری جنہ دل کردا ہے تے چوہدری جنہ دل کردا پٹواری ہے کوئی بھی پریکٹیکلی ادھر کام نہیں کر رہا چاہے ہمارے پاسٹر ہیں چاہے ہمارے لیڈر ہیں چاہے جو کوئی بھی ہے چاہے میں ائی ہوں کوئی پریکٹیکلی کام ادھر نہیں کر رہا سر اچھا بھیا آپ ایک ٹیچر ہیں तो आप ये हमें बताएं कि 140 जो पासबान हैं अगर वही एक कमेटी बना लें इस कब्रिस्तान के लिए और हर महीने जैसे अभी आपने कहा कि अपने मतलब चर्चीज़ में से थोड़ा थोड़ा, थोड़ा जो फ़ंड है वो अगर वो ज मतलब करें जमा करें कलेक्ट करें तो एक तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो सफाई का बंदोबस्त हो सकता है और दूसरा जो है यहाँ पे हम लोगों को जो है वो सफाई सुथराई के लिए जो है वो तनख्वाह पर भी रख सकते हैं बिल्कुल सर आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं मीडिया के सामने आपके चैनल के सामने कहता हूँ अगर एक चर्च पाँच हज़ार रुपया देगा मैं महीने का अकेला बंदा दस हज़ार दूँगा इससे ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा यह पास्टर साहब कदम बढ़ाए मैं इनसे दो कदम आगे चलूंगा सर जी बहुत शुक्रिया सर भाई आपके जोश और जज्बे की हम कदर करते हैं शुक्रिया जी नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं अक्रम भट्टी उर्फ तोता भाई जो कि इस कब्रिस्तान में जो है वो सफाई सुथराई का जो काम है वो करते हैं अभी हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो सफ़ाई सुथराई का जो काम है वो किस तौर से वो समझते हैं कि जो है वो बहुत ज़रूरी है या मतलब इस काम के लिए और ज़्यादा जो है वो लोगों की और फंडिंग की जो है वो ज़रूरत है तो तोता भाई आप हमें बताएं आप यहाँ पे काम करते हैं और कब्रिस्तान में मतलब ये घास वगैरह और सारी सफाई का इंतज़ाम जो है वो आपके हाथ में है तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि आपके पास जो इंतज़ाम हैं या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं या और होनी चाहिए सर हमारे पास तो पूरे हज़ार तक नहीं है अच्छा हमने हर किसी को कहा है कि ये एक कब्रस्तान की आपने सफाई के बारे कहा कि ये कितनी जरूरी है ये इतनी जरूरी है जैसे बंदा सुबह रोज़ाना उठ के पेस्ट करता है अपने दांत साफ़ करता है ये उतनी ज़रूरी है यहाँ पर दबागे चले जाते हैं आते नहीं जनाजे के साथ आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोई इधर तनख्वाह नहीं कोई सैलरी नहीं हम अपनी मदद अपने तहत अब इस घास में वायरस है हाँ। ये कीड़े मकोड़े ये देखें जख्म जहाँ पे वो टच होता है जख्म हो जाता है जी नाजरीन अभी आप देख रहे हैं उनके पाओ भी यहाँ पे उनको कहा कि आप ये कटवाएं ना यहाँ पर केमिकल छिड़क दें बस तस्वीरें खींच के ले जाते हैं अमली काम कोई भी नहीं, भी नहीं होता तो कभी किसी ने कहा भी नहीं है कि हम आपको सामान देते हैं या आपको बड़े जूते देते हैं क्योंकि बारिशों का मौसम है यहाँ पे कीड़े मकोड़े तो वाकई हैं सर कभी किसी ने नहीं कहा हम कहते हैं तो हौसला देते हैं हम उधर आएंगे तो कर देंगे लेकिन नहीं यहाँ पर एक नाम है आसफ़ जोजफ़ जिसने अपने पास से मजदूरी देकर बारिशों से पहले सफाई करवाई और जब बारिशें हुई तो ये दोबारा घास बड़ा हो गया तोथा भाई यहाँ पे 140 सौ चालीस चर्चा हैं और 140 सौ चालीस पासवान हैं बल्कि पासवान तो ज़्यादा ही होंगे तो कभी उन्होंने भी नहीं कहा जब वो जनाजा मतलब यहाँ पे ले कर आते हैं कि हम आपके लिए इंतज़ाम करते हैं या यहाँ पर जो सफाई के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सर जी मेरा बड़ा भाई है जो रजिस्ट्रार है यहाँ की एंट्री वगैरह करते हैं जब दफनाने वो हर बार कहता है हमने तो जो कहना कहना वो लोगों के चौधरीओं के घर जाकर कहता है तारक अहमद उसका नाम है ठीक है तो उन बस झूठियाँ तसलियाँ और वादे करते हैं अमली काम कुछ भी नहीं अच्छा किसी एन ने भी नहीं कहा क्योंकि एनजी भी बड़ी है यहाँ पे जो काम करने वाली जी नहीं किसी ने नहीं अच्छा जिसने किया वो मैंने आपको बता दिया अच्छा एक ही बंदा है चलें बहुत शुक्रिया सब भाई जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कब्रस्तान के एक ख़ास जो है वो फ़र्द हैं और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है तारक रहमत साहब जिनके पास इस कब्रिस्तान का रजिस्टर भी है हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस कब्रिस्तान की जो सफ़ाई है और जो इसकी हालत है वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे सफ़ाई होना या कब्रिस्तान में जो घास वग़ैरह है उसकी कटाई होना कितना का ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सर जी ये तो हम कर कर करके थक गए इनकी ये पहले तीन चार साल पहले अमन शक्ति ने करवाई थी सफाई उसके बाद नहीं करवाई वो आता है तस्वीरें तो बना के चला जाता है कोई पैसा नहीं लगाते कोई बात नहीं करते किसी वक्त हम हैं जो खर्चते रहते खुद ही तो ना तो किसी की तनखा है तो ना कोई बात है ठीक है बिना लॉस काम करते हैं जितना होता है हम करते हैं तनखा तो बच्चे वाले हैं बाहर भी काम मिल जाए तो फिर करते हैं अगर तनखा तो हम बाहर क्यों जाएँ यहाँ पे काम करें कोई बात नहीं हमारी सुनता कोई भी कुछ नहीं करता हमारी हमारे लिए जो हमसे हैं हम करते हैं ये आसफ़ जोजफ़ साहब इधर खड़े हुए हैं वो जो कभी कभार वो हमारे साथ लग जाते हैं काम करने हम ख़ुद करते हैं कुक्ु भाई इधर काउंसलर हैं वो भी कभी, कभी कभार कर लेते हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं करता पैसे आते हैं इसके पैसे खाए जाते हैं अब भी आए हुए हैं सफाइयाँ सारी कब्रस्तानों की हुई हैं इस कब्रस्तान की कोई सफाई नहीं हुई आपके सामने सारा काम पड़ा हुआ है वाह ये साथ देखें ये पानी बगता है सलीम को कहा है कब्रस्तान में गंदा पानी आता है दो मरतबा उसके घर में जाके मैंने कहा है उसने कोई नोटिस नहीं लिया गंदा पानी कब्रस्तान के अंदर आ रहा है भैन तो वो बात ब... तारक भाई आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ की मतलब आप जो कब्रिस्तान का जो रजिस्टर है वो आप मतलब अपने पास रखते हैं अच्छा साथ ही साथ जब यहाँ पे जनाजा आता है और दफनाने की मतलब जब रसूमा की जाती हैं उसके बाद पासबान जो है वो आपके पास आता है और उस रजिस्टर में साइन भी करता है करता है या नहीं करता अच्छा आपने कभी उनसे ये कहा कि सर जी ये कब्रिस्तान की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है और यहाँ पर हमें सफाई करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है साहब से हमने कहा जी जो भी इधर आते हैं ना उनके रजिस्टर पे नाम हुए, सेन लिखे हुए हैं सहन लिखे हुए हैं वो चर्च का नाम लिखा हुआ है उनके सहन होते हैं बकायदा सबसे हम कहते हैं कोई नोटिस नहीं सर्जी लेता अगर नोटिस ले तो ये इसका ये हालत ना हो हाँ जी ये इसकी हालत बहुत ख़राब है और कोई नोटिस नहीं लेता ना कोई चोर लेता है ना कोई कौंसिल लेता है, ना कोई चेयरमैन लेता है कोई भी नोटिस नहीं लेता मैं मुँह पे कह रहा हूँ हाँ जी अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि पीछे ना यहाँ पे फट्टे पड़े हुए हैं और ये कुछ बाले पड़े हुए हैं तो क्या ये कब्रिस्तान की जगह जो है वो मतलब अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये क्यों मतलब जगह जो है वो इस्तेमाल की जा रही है हाँ जी ये इनसे हमने मना किए थे उनका भाई साथ ही घर है किराए पर रहते हैं उनका हमारे पास जगह नहीं है हम रखा हुआ है यहाँ पर पहले आग लगाई थी उन्होंने उस जला भी दिए थे तो फिर उन्होंने रख दिए दो तीन मरतबा कब्रस्तान पर हमने कूड़ा फेंकने की वजह से सर पड़वाए हैं भाई ये आंख फट गई है देखे मेरी किसी ने नोटिस नहीं लिया यहाँ पे लोग आके हमारे गले पड़ जाते हैं कभी कोई चोरी नहीं आया कि कूड़ा फेंकने से भाई ने मना किया तो आप इसके गले क्यों पड़े हैं तो बस पता ही नहीं है ये आखिरी हमारी रामगह है किधर हम कूड़ा क्यों फेंकते हैं किसी दी बहन को नहीं पता किसी भाई को नहीं पता तो ये कब्रिस्तान की मतलब कोई इंतज़ामिया कोई नहीं है कोई नहीं सर जी कोई इंतज़ामिया नहीं है कोई बात नहीं है यहाँ के जो भी चौधरी आता है वो अपना रंग दिखा के चला जाता है बाद में भूल जाता है कि मैंने तो ये बात की थी ये काम करना है कोई भी नोटिस नहीं लेता ये फर्श तोड़ दिया यहाँ है कि तोती छा है सारे इलाके की ग्रही करता है यहाँ काम नहीं भाई करता वो सारे पैसे जो ना इलाके से लेके चला जाता है अच्छा। अपने घर में नशा करके सोचता बूटी बीता है वो नशा करके सो जाता कोई काम नहीं यहाँ पे करता वो आदमी से भी बहुत तंग हैं हम दो तीन दरखास्त उसने मेरे खिलाफ़ दे दी हैं अच्छा। नस्तर उठाने में वो मैंने बुकती हैं क्योंकि वो गलत साबित हुआ है मुझे खारिज कर दिया गया सही है हाँ जी उन्होंने कहा ठीक है आप काम कर क्यों मेरे पास बीस साल से ये रजिस्टर है मैं बीस साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो आप इधर कब्रस्तान में ही रहाइश है आपकी नहीं जी मेरी सास ये गली में रहाइ है कब्रस्तान में आसफ जूसुफ़ साहब ये भी मेरा ही घर है ये भाई हैं बड़े ये ही किसी वक़्त हमारी मदद करते हैं हमने किसी चौधरी को नहीं कभी देखा तो कोई बात नहीं है था तो कोई सर जी बस छोड़ दे बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पे आप हमें बताएं कि जो काम करने वालों की तादाद है वो कितनी है तीन लड़के हैं भाई हाँ अच्छा। जी एक तोता है वो अच्छा। एक मैं हूँ अच्छा। एक वो स्टीफन भाई है ये तीन लड़के हैं ये सारा काम जो मेरे जम्मे होता है सारे हजार मैंने ही बनाने होते हैं सारा कुछ मैं ही करता हूँ मैं अपने घर में धार रखता हूँ यहाँ रखे दो तीन मरतबा चोरी हो गए हैं गेट उनको मैंने कहा लगवा दें गेट भी नहीं लगवा के देते ये कलाम लिखा हुआ ऊपर जानवर चढ़ते हैं कभी नोटिस लिया ही नहीं किसी बात का भैया उन्होंने बस बैठ जाते हैं हमें ये है कि हमारी कौन सी तरह हमें तो आ जा कहेंगे ये, ये ये हमें लुच्चर पकड़ा दो हम पकड़ा देंगे क्या कर सकते हैं माड़े लोग हैं बस यही बात है अच्छा आप तनख्वाह नहीं लेते नहीं कोई तनख्वाह नहीं है कोई बात नहीं है सर जी अगर जिस तनखा होनी चाहिए यहाँ पे क्वार्टर बन के मुझे मिलना चाहिए मैं इसकी सफाई खुद करूँ मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है यही बात है भाईजान तो आप मतलब पासवानों से ये कह नहीं सकते जो यहाँ पे आते हैं क्या भाईजान क्या कह के बीस साल से कह रहा हूँ आज नहीं बीस साल से कह रहा हूँ मैं तो कोई नोटिस ही नहीं लेता भाईजान बहुत शुक्रिया सर आपका खुश हूँ आपने आज ये बात की है कि कह कर मैं तो बहुत खुश हूँ अब तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना हमारा हाँ जी ज़रूर कोशिश तो यही है जी होगी तो ये जन्नत बन जाएगी भाई जान चले बहुत शुक्रिया तारक भाई जी नाजरीन अभी हम मौजूद हैं तारक गौरी साहब के पास और जो कि पी टी आई के एक सीनियर रहनमा भी हैं और यहनाबाद के रहाशी होने के साथ साथ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो समाजी तौर पर काम भी करते हैं तो नेशनल न्यूज़ ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं फ़्रांसिस सौदागर साहब उन्होंने उनसे राबता किया कि यहाँ पर जो कब्रस्तान का जो मसला है कब्रस्तान की जो सफाई का जो काम है वो जो है वो किस तौर से जो है वो ज़रूरी है ख़ास करके योनाबाद के रहाइशियों के लिए और यौनाबाद के जो बासी हैं उनके लिए तो अभी हम बात करेंगे तारक गौरी साहब से और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने पी टी आई की गवर्नमेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया और कब्रस्तान के लिए भी उन्होंने काम किया तो तारक साहब आप हमें ये बताएँ कि यहाँ पे आपने पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है वो यहानाबाद में काम भी करवाया और फिर कब्रस्तान में भी आपने काम करवाया लेकिन अभी हमने देखा कि कब्रस्तान की जो हालत है वो फिर से खस्ता हाली का शिकार है तो आप क्या सोचते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो मौजूदा गवर्नमेंट के लोग हैं या जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उनको किस तौर से कब्रस्तान की सफाई में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है सबसे पहले तो मैं नेशनल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे पास आए और हमारी आवाज़ बने तो जैसे कि मेरे भाई ने ये पूछा कि कब्रस्तान के, के हवाले में तो कब्रस्तान में ये बात सच है कि हमने बहुत सारा काम करवाया है तो मैंने अपने लोगों को ये भी अवेयरनेस देता रहा हूँ कि खुदारा बरए मेहरबानी कि आप पक्की कब्रें ना बनाएं ताकि सबसे बड़ा जो हमारे इलाके में इशू है वो कब्रस्तान का होगा आबादी बहुत बड़ी है और कब्रस्तान बहुत छोटा है तो आप उधर गए भी होंगे आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान 80 परसेंट मेरा ख्याल के वो पक्का हो गया है तो इसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल आएंगी परेशानी आएंगी एक अमीर आदमी तो चलो मान लिया वो तो कि गोरे कब्रिस्तान में कहीं अच्छे कब्रिस्तान में ले जाएगा अपने लोगों को लेकिन जो गरीब है वो किधर जाएगा तो मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहता रहा हूँ कि बरए मेहरबानी आप ये अपने कब्रस्तान कच्ची कब्रें बनाएँ ठीक है पक्की ना बनाएँ हम जब एक दूसरे का सास करेंगे तो तब ही होगा लेकिन मैं मुझे ये दो साल हो गया लोगों को बताते हुए कि पक्की कब्रें ना बनाएँ लेकिन लोग फिर भी बाज़ नहीं आते जी नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं यहानाबाद की बड़ी मशहूर हस्ती हैं बाबा शौकत यूसुफ़ साहब और हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान की जो हालत है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि सर जी यहाँ पे जो कब्रिस्तान है आपका मेन कब्रिस्तान जो है आ, उसकी हालत हमने देखी है बड़ी ख़राब है और यहाँ पे सफाई सुथराई का, का काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम होने वाला है आप इसके बारे में हमारे नाजरन को क्या बताना चाहेंगे सर असि चाह रहे हैं भैया कब्रस्तान दी क्योंकि बारिश ही महीने ने क्योंकि घा बूटी बड़ी हो गई क्योंकि सौ मसले मिसाइल कीड़ा पतंगा चलता क्योंकि जनाजे जाते हैं तो किसी ने भी कोई नुकसान भी हो सकता है ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ مشورے ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਹਮੇ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਯਹਨਾਬਾਦ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਵੀ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮੇ ਵੀ और यहाँ पे जब कभी कोई मतलब फौतगी होती है तो जनाजा वगैरह लेके जाते हैं तो बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे कब्रिस्तान की हालत देखते हैं और वो मतलब बातें करते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ख़ास करके जो यहाँ पे चर्चिस के जो पासबान हैं या यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन जी काम कर रही हैं तो वो मतलब क्यों खामोश हैं और अपने कब्रिस्तान की हालत पर गौर क्यों नहीं कर रहे देखो सर उनकी मर्जी है ਕਿਉਂ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਐਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤیں ਸੁਣੀ आपने उन तमाम लोगों से अपने ख्याल का इजहार भी सुना जो कि इस कब्रस्तान के करीब रहने वाले लोग हैं या वो योहानाबाद के रहायशी हैं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही बस्ती योहानाबाद उसके कब्रस्तान का हाल आपने देख लिया और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस कब्रिस्तान का ये हाल है जो कि मसीहों की जो सबसे बड़ी बस्ती है वहाँ पे ये आलम है तो आप ये सोचें कि जो बाक़ी जो आम छोटी बस्तियाँ हैं या जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे कब्रिस्तान का हाल क्या होगा क्या ये पासवानों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी अपनी कलसिया को इस बात के लिए उजागर करें अपनी अपनी कलिसिया को इस बात के लिए तैयार करें कि वो इस कब्रस्तान को जो है वो सफाई सुथराई में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें अगर पासवान या एन या दूसरे लोग अगर इस काम के लिए राजी नहीं भी होते तो भी नेशनल न्यूज़नामा आपकी तोजो इस तरफ़ दिलाना चाहता है कि आपके अजीज़ो अकारब इस कब्रस्तान में दफन है और जिस तरह से आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनके घर साफ़ और सुथरे होते हैं तो भी यहाँ पे जब आप अपने किसी अजीज़ की कब्र पर आते हैं उसे बात करने के लिए या उसे मिलने के लिए तो आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आप किसी पासवान की तरफ़ ना देखें आप किसी सियासी लीडर की तरफ़ ना देखें क्योंकि अगर उन्होंने अपनी आँखों को बंद किया हुआ है तो ये उन पर लागू होता है कि वो किस तरफ़ को जा रहे हैं लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने उन अजीज़ों की कब्र पर जब आते हैं तो ज़रूर महीने में या पंद्रह दिन के बाद यहाँ पे आएँ और इस कब्रस्तान की सफ़ाई में आप हिस्सा लें कम से कम दूसरों की नहीं लेकिन अपने अजीज की कब्र पर जो घास है जो एक्स्ट्रा जो दरख्त उगे हुए हैं आप उनको वो साफ़ करें ताकि कभी भी यहाँ पे जब बरसात का मौसम होता है या मतलब कभी ऐसा वक्त होता है कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े निकलते हैं या जब आप किसी दूसरे अजीज़ को यहाँ पे दफन करने के लिए आते हैं तो आपको किसी तरह की मुश्किल का जो है वो सामना ना करना पड़े तो आप इस मैसेज को जो है वो नेशनल न्यूज़नामा पर देख रहे हैं और आपसे गुजारिश की जाती है कि इस पैगाम को सिर्फ़ पैगाम ना समझें बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझें और इस कब्रिस्तान को साफ करने में इस कब्रिस्तान को एक अच्छी ऐसी जगह बनाने के लिए जो है वो अपना रोल अदा करें ताकि यहाँ पे जो आप हालत तो आप देख ही रहे हैं आपको पहले भी दिखाया है आप इसके ज़िम्मेदार हैं तो आप पहले भी इस काम में जिस तरह से अपने आप की अपनी आँखें बंद किए हुए थे लेकिन अब आप अपनी आँखें खोलें क्योंकि यहाँ पर रोज़ रोज़ जो है वो घास ज़्यादा हो रही है रोज़ बरज़ यहाँ पे कचरा जो है वो ज़्यादा हो रहा है जानवर यहाँ पे आ रहे हैं मैंने अभी देखा गधे आ रहे हैं तो क्या आप नहीं समझते कि यहाँ पे हमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए तो आप इस बात को महसूस करें और इस बात को अपने दिलों में रखें कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है और अपने अजीजों की कब्र पर से आकर घास को और एक्स्ट्रा जो दरख्त हैं उनको साफ करना है अब मुझे और मेरे कैमरा मैन तारक प्यारा को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़